हेलो एवरीवन। 2 दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी नागवार है, ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि आप लोगों को मेरा जो एनर्जी लेवल है इस वीडियो में पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन लगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहे, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहे। थंबनेल देखकर आप लोगों को इस बात का आइडिया हो ही गया होगा कि आज किस विषय पर बात होने वाली है, कि कितनी उम्र के लोगों को सेक्स जो है कितनी बार करना चाहिए। देखो, ये जो सवाल है ना, ये ना जाने कितनी बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है कि मैम रात में कितनी बार सेक्स करना चाहिए, शादी हो जाने के बाद पति पत्नी के बीच में सेक्स कितनी बार होना चाहिए, या फिर वीक में हमें कितनी बार सेक्स करना चाहिए। तो आज आपको इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। सेक्स देखो एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जिसे अगर लिमिट में रहकर किया जाए तो इसके फायदे ही फायदे हैं, वहीं अगर इसकी रेल बना दी जाए, इसे बेहिसाब किया जाए तो नुकसान ही नुकसान है। इतने नुकसान उठाने पड़ जाते हैं कि जिंदगी भर भरपाई कर पाना मुश्किल हो जाता है। अब देखो, समस्या तो यहीं से शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, वो अनभिज्ञता का शिकार है कि एक्चुअल में जो सेक्स है ये कितनी बार करना चाहिए, साल में कितनी बार करना चाहिए। तो किन्जे इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका में स्थित है और वो सेक्स जेंडर रिप्रोडक्शन के ऊपर अपनी रिसर्च करता है, तो उन्होंने ये बताया है कि कितनी उम्र के लोगों को साल में कितनी बार सेक्स करना चाहिए ताकि इससे उनकी सेहत पर दुष्प्रभाव ना पड़े। तो उनकी रिसर्च कहती है कि 18 से 29 साल के जो लोग होते हैं उन्हें औसतन साल भर में 112 बार ही यौन संबंध बनाना चाहिए, ये उनके लिए फायदेमंद साबित होता है। अगर इससे ज्यादा वो अति करते हैं तो उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सेम इसी तरह से 30 से 39 साल के जो बीच के जो लोग होते हैं उन्हें साल भर में सिर्फ 86 बार ही यौन संबंध बनाना चाहिए। एक फेमस सेक्स थेरेपिस्ट इयान कॉर्नर तो ये भी कहते हैं कि सप्ताह में, मतलब 1 वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ही सेक्स होना चाहिए। हालांकि देखो, ऐसा हो सकता है कि दो लोग जब यौन संबंध बना रहे हो तो वो यौन क्रीड़ा में इतना ज्यादा मगन हो जाए कि उन्हें नंबर ऑफ राउंड का पता ही ना लगे कि उन्होंने 2 से ज्यादा बार कर दिया या 3 से ज्यादा बार कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अति नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हेल्दी सेक्स एंजॉय करना चाहते हो लॉन्ग टाइम तक, तो आपको बेहतर स्वास्थ्य की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ा दोगे, अति कर दोगे, तो आपको जो स्वास्थ्य है वो बुरी तरह से प्रभावित होगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ सेक्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद नंबर गेम ही खेल रहे होंगे आप, क्या मेरी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं हो पाती, कितनी बार करूं सेक्स। तो बेटर आप क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पर फोकस कीजिए। अब चलो लगे हाथों तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि सेक्स करने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो देखो, अगर फायदों की बात की जाए, आप लिमिट में रह के अगर सेक्स करते हैं तो फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि इससे आपका मानसिक तनाव कम होता है, शारीरिक ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, नींद आपको अच्छी आती है, मतलब अगर आप सेक्स करने के बाद नींद लेते हैं तो आपकी जो नींद है बहुत गहरी नींद लेते हैं। सेक्स के दौरान एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको फील गुड का एहसास कराता है, आपका मूड एनहेंस करता है, दो लोगों के बीच में उनके म्यूचुअल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है ये सेक्स। अब अगर इसके नुकसानों की बात की जाए तो देखो, जहां लिमिट में सेक्स करने से आपका मानसिक तनाव कम होता है, वहीं अगर आप इसकी अति कर देते हो तो आपको थकान भी ज्यादा रहती है, प्राइवेट पार्ट में भी इंफेक्शन होने का डर बना रहता है अगर आप ज्यादा सेक्स करते हो, ज्यादा सेक्स करने से कमर दर्द की समस्या भी बनी रहती है। सेक्स एडिक्शन भी एक मानसिक समस्या है जो कि उन्हीं लोगों को होती है जो सेक्स में ज्यादा लीन रहते हैं। सेक्स देखो कोई नंबर गेम नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई स्कोर रचना है, कोई इतिहास खड़ा करना है। तो अगर आपको सेक्स को भरपूर इंजॉय करना है लंबे टाइम तक, तो क्वालिटी पर फोकस कीजिए, क्वांटिटी पर नहीं। 10 बार अंदर बाहर कर भी लिया ना और आप सेटिस्फाइड नहीं है तो 11वीं बार फिर से आपका शमशेर तैयार, और 10 बार जो आपका डिस्चार्ज हुआ, जो आपका वीर्य गया, उसकी भरपाई कौन करेगा, हुआ ना आपकी सेहत पे बुरा असर। लेकिन वहीं अगर आप सिर्फ 2 बार करते हैं और जबरदस्त तरीके से करते हैं और फुल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है, तो 3री बार आपका मन ही नहीं करेगा,
नंबर ऑफ टाइम बचे, आपका वीर्य बचा। तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करो, सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो, और उसके लिए आपको 4 या 8 बार करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपको देखो बैलेंस बनाने की जरूरत है कि मान लो आप अगर पूरे महीने में 4 हफ्ते होते हो और 1 वीक में आप 2 बार करते हो, लेकिन कोई महीना चलो ऐसा भी निकल आता है कि आपको पूरे महीने टाइम ही नहीं मिला, तो कोई एक दिन निकालो जिसमें अगर आप 6 से 8 राउंड भी खेल जाते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो स्टोरेज में था ना। आप जो 1 वीक में 2 बार करते हो और नहीं कर पाए किसी महीने, तो वो स्टोर था, तो मतलब स्टोरेज में से ही खाली हुआ है ना, एक्स्ट्रा वेस्टेज तो कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह से मान लो कि अगर आपने कोई एक दिन निकाला जिसमें आपने 6-7 राउंड कर लिए, तो अगले 15 दिन छुट्टी में चले जाओ, मतलब मत करो। और अगर आप वीक में 2 बार कर रहे हो फिर तो आपने मैनेज किया ही हुआ अच्छे से। तो इस तरह से बैलेंस बना के चलो, क्योंकि इससे ना तो आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा और आप सेक्स को भी इंजॉय कर पाओगे भरपूर लंबे टाइम तक। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि वीक में कितनी बार करना है, रात में कितनी बार करना है, मतलब जो भी आप मुझसे सवाल करते रहते हैं कि कब कितनी बार और कैसे करें। तो होप सो आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अब मैनेजमेंट आपको देखना है, मतलब आप कैसे मैनेज करते हैं चीजों को, क्योंकि हर किसी की अपनी कंडीशन अलग अलग होती है, उनके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, कोई ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करता है, कोई सेपरेट रहता है, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम ही टाइम है, तो आप उस तरीके से आप मैनेज कीजिए। मैंने आपको बता दिया कि वीक में 2 बार आप कर सकते हैं, सबसे बेस्ट होता है, और बाकी जो मैंने आपको डिटेल में बताया कि कितनी उम्र के लोगों को साल में कितनी बार करना चाहिए, तो उससे आप अपना मैनेजमेंट कीजिए, बैलेंस बना के चलिए और एंजॉय कीजिए। तो मेरी तरफ से इतना ही, थैंक यू सो मच।